गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नेहा। आज हम लोग एक ऐसे तीन प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, अगर आप प्रॉपरली इसको हर दिन प्रैक्टिस करो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और हम इसको लेके हर दिन कितना झूलते रहते हैं, कितनी सारी दवाइयों के ऊपर हम कितने सारे लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दवाइयों के अलावा भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो करके आप अपनी अच्छी सेहत पा सकते हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और नंबर वन आता है योग, और उसमें है प्राणायाम। ब्रीदिंग से बढ़ के कुछ भी नहीं है, अगर आप सही से इसको इस्तेमाल करोगे तो आप इस मिराकल ही पाओगे। तो हम जानेंगे कि वो तीन ऐसे प्राणायाम जो आप हर दिन सुबह प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और हो सकता है कि आप जो कितनी सारी दवाइयाँ ले रहे हो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, शायद वो भी छूट जाए। तो चलिए देखते हैं ये कौन से तीन प्राणायाम हैं। सबसे पहले है कपालभाति। कपालभाति एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, इसको हम हर समय ऐसे कभी भी नहीं कर सकते, तो इसको ट्राई कीजिए कि हमेशा सुबह प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और आपको बहुत एक्टिवेट करता है। अगर आप ये रात में करोगे तो फिर आप शायद ठीक से सो नहीं पाओगे, इसीलिए हम इसको सुबह करते हैं। दूसरी बात, ये प्राणायाम काफ़ी थोड़ा हीट जनरेट करता है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से डाइजेशन हो या फिर अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की जो समस्या है वो सबको वो साफ करता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर बैलेंस करोगे, इसीलिए आप इसको पहले प्रैक्टिस करोगे और इसके बाद बैलेंसिंग प्राणायाम जो हम आगे देखेंगे उस प्राणायाम को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस करेगा। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि हाई बीपी जो है वो इस प्राणायाम को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करो, क्योंकि इसके काफ़ी कुछ वेरिएशन हैं, अगर आपको हाई बीपी है तो आप इसको बहुत ही स्लोली कर सकते हो। आपको 100 या 200 ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 20 या 25 से शुरू कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस प्राणायाम को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही कम्फर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। अगर आपको फ्लोर पे नहीं बैठा जा रहा है तो आप इसको कुर्सी पर या फिर बाहर कहीं बेंच पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान इतना रहे कि आपकी जो पीठ है वो सीधी हो और जो शोल्डर है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। आपके दोनों जो हाथ हैं उसमें चिन्हिद्रा होना चाहिए, मतलब पहले की जो दो फिंगर है वो ऐसे बंधे होंगे, और हथेली को ऊपर को और फेस करते हुए हम अपने थाइस पे रख देंगे। यहाँ पर हम इनहेल और एक्सहेल ज़रूर करेंगे, मगर जो इनहेल होगा वो पैसिव होगा, मतलब आपको उतना दिखाई नहीं देगा और उतना फील नहीं होगा, और एक गैप के बीच में इनहेल होगा, और जो एक्सहेल होगा वो आपके नाक के द्वारा होगा, वो बहुत ही स्ट्रांगली होगा, ठीक है। हर बार आप जब ब्रीद आउट करते हैं तो आप पेट को अंदर लेंगे, यानी कि पेट अंदर और सांस बाहर, ये दोनों जो क्रिया है वो एक साथ चलेंगी। हम यहाँ पर अभी करके दिखाएंगे। एक बार लंबी सांस अंदर और बाहर, फिर एकदम से हम एक्सहेल करना स्टार्ट करेंगे अपने नाक के द्वारा, जहाँ पर हम पेट को अंदर लेंगे, जैसे कि अगर आपको बीपी है तो आपको इतनी तेज़ी से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो, जैसे कि आप एक सेकेंड में एक बार ब्रीद आउट करें फिर पॉज लें, एक बार ब्रीद आउट करें पॉज लें। अगर आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा धीरे से कर सकते हो, तो जितना धीरे हो सके आप उतना धीरे करें, हाई बीपी वालों के लिए। अगर आप यंग हो, अगर आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको तेज़ी से कर सकते हैं, उम्र के हिसाब से करें। अगर आपको ज़्यादा उम्र है, आपसे बहुत तेज़ी से नहीं किया जा रहा है, तो जितनी स्लोली हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, और कितनी तेज़ी से करोगे कितने धीरे से करोगे वो आप पे डिपेंड है। और जब भी आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो तो आपका सारा ध्यान जो है वो नाक पे रहेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि वो जब ब्रीद आउट करते हैं तो वो थ्रोट को यूज़ करते हैं, स्टमक को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे करना है। अगर आपको ये दुविधा है तो आप मेरे साथ इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपको छींक आ रही है तो आप कैसे करोगे, है ना, आप सिर्फ अपने नाक को यूज़ करोगे, तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ जैसे कि आप छींक रहे हो सिर्फ नाक से। तो जब आप नाक से निकालोगे तब आपको एक बार ध्यान रखना है कि आप पेट अंदर जा रहा है, ऐसे
शोल्डर नहीं हिल रहा है, सिर्फ नाक से अंदर सांस तो जा रही है लेकिन वो दिखाई भी नहीं देगी, जो दोनों सांस जो बाहर जाती है उसके गैप में आप ब्रीद इन करोगे, ठीक है? तो कपालभाति ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ये प्रैक्टिस खुद के लिए करोगे तो आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद के लिए काउंट रखिए कि मैं 20 बार प्रैक्टिस करूँगा या फिर 20 से 30। फिर दूसरी बार जब थोड़ा ब्रेक लेके, मतलब 5 सेकेंड आपने ब्रेथ रोक के रिलैक्स हो जाओगे, तो फिर से 10-15 काउंट, फिर से रिलैक्स होना, फिर 10-15 काउंट। तो एकदम आप बहुत नंबर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो मैंने जैसे कहा था बहुत ही स्ट्रांग ब्रीदिंग है, आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम इसको ब्रेक डाउन कर करके तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? और जैसे मैंने कहा था कि ये प्राणायाम आपकी बॉडी को हीट क्रिएट करता है, इसीलिए आप इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो या फिर ऐसे कोई भी प्राणायाम जो आपके बॉडी को कूल डाउन करें, जैसे कि राइट नॉस्ट्रल को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करना, क्योंकि जब आप लेफ़्ट से इनहेल एक्सहेल करते हो तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स और कूल करता है। जब आप राइट साइड से इनहेल एक्सहेल करते हो तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर हम वैसे भी नाड़ीशुद्धि प्राणायाम करने वाले हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बैलेंसिंग करेगा, इसलिए हम नाड़ीशुद्ध आखिरी में करेंगे। दूसरा प्राणायाम है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम आपके थ्रोट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। अगर कोई है जो थायराइड के प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उन्हें प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, और जो हाई बीपी है या फिर जिसको डायबिटीज़ भी है या फिर आस्थमा, जो भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के जो बेनिफिट्स हैं आपको इन प्राणायाम में मिलेगा। बस आपको सही तरीके से सुबह उठ के 10-15 मिनट प्राणायाम को देना है। तो हम उज्जायी प्राणायाम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, तो इसमें देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि इस प्राणायाम को करते हुए हम अपने गले के द्वारा, अपने थ्रोट के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग साउंड क्रिएट करेंगे जिसको हम ओशन साउंड कहते हैं, ठीक है? ये कोई वर्ड या फिर कोई चीज़ का साउंड नहीं है, ये ओशन का साउंड है। तो मैं आपको एक प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ। जब आप इनहेल करोगे तो सिर्फ थ्रोट से एक स्ट्रॉन्ग ब्रीद इन को अंदर लेना है, और इसी तरह से ब्रीद आउट करते हुए स्ट्रॉन्गली थ्रोट से एक्सहेल करना है। इस प्राणायाम को आप बहुत देर तक स्टार्टिंग में नहीं कर सकते क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रांग प्राणायाम, आपको थकान फील होगी। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 से 10 टाइम्स, फिर जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर ये प्राणायाम में अब भी आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा हो रहा है, तो मैं आपको एक और तरीका है जहाँ से आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका मुँह खुला है और आपको सांस लेना है सिर्फ आपके थ्रोट से, तो आप कैसे लोगे? थोड़ा फोर्स के साथ, जब सांस को बाहर लेते हो तो आप स्ट्रॉन्ग साउंड फील करते हो, करेक्ट? उसी साउंड को आपको क्रिएट करना है जैसे मुंह बंद करके। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक और तरीका है जहाँ से ट्राई कर सकते हैं। आपका मुंह थोड़ा खुला रहेगा और आपकी जो ज़बान है वो आपके दांत के पीछे रहेंगे ऐसे, और आप अपने सांस बाहर, अंदर जो हवा है सांस को बाहर ले आने की ट्राई कीजिए, ठीक है? जब आप ऐसी ज़बान को आप स्ट्रांग रखते हो तो वो स्ट्रांगली, जैसे कि कुछ प्रभाव के साथ, दबाव के साथ सांस को बाहर ले आने में हेल्प करता है। तो ऐसे आप सीखोगे कि उज्जायी प्राणायाम को कैसे करना है, लेकिन इसकी थोड़े लिमिटेशंस हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इस प्राणायाम को ना करो या फिर डॉक्टर की कंसल्ट करो फिर आप प्राणायाम करो। अगर आपको माइग्रेन का हेडेक है तो आप थोड़ा ये प्राणायाम को अवॉइड कर सकते हो, अगर नहीं तो हर कोई इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो चलिए 3 बार इस प्राणायाम को हम साथ करते हैं, फिर आप इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप अपना प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हो। आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स, चेयर के ऊपर या फ्लोर पे कहीं भी, ध्यान रहे कि थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा हो, थोड़ा अच्छी से फ्रेश हवा हो ताकि आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट में आपको अच्छा फील हो, ठीक है? अभी ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 बार उज्जायी प्राणायाम।
आप ये 5 से 6 बार करने के बाद अगर आपको थोड़ा बेटर लगे तो आप नॉर्मल सांस लंबी अंदर और बाहर लेके रिलैक्स कर सकते हो। ये था हमारा दूसरा प्राणायाम। हमारा तीसरा प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि। मुझे लगता है ये जो प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, भले ही कुछ भी हो, ये आपकी सिर्फ मदद ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसको आप जब भी मन करे तब कर सकते हो, जब भी जहाँ भी फ्री हो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप फ्री कर सकते हो। जितना ज़्यादा करोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये नाड़ी शुद्धि जो है वो हमारे 72,000 जो नाड़ियाँ हैं बॉडी में, उन सबको एक बैलेंस में ले आता है, जिसकी वजह से 99% सारी जो बॉडी की हेल्थ इश्यूज़ है वो सही हो जाती है, ठीक है। इसको करना बहुत ही आसान है। इसको आप अंत में करें, ताकि ये पूरी, अगर आपने फर्स्ट के 2 प्राणायाम में थोड़ी अगर वहाँ यहाँ गलती भी की होगी तो ये उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सांस लेने से कभी कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, बस एडवांटेज ही मिलता है। तो चलिए हम इसको अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम अपने लेफ्ट हैंड में जो है उसको चिन मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड में जो है सेकेंड एंड थर्ड फिंगर को हम ऐसे क्लोज कर लेंगे। पहले और फोर्थ फिंगर को हम नॉस्ट्रल क्लोज करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शोल्डर को रिलैक्स रखें, पीठ को थोड़ा स्ट्रेट रखें, आंखें बंद रखें। एक कंप्लीट ब्रीद इन ब्रीद आउट के बाद राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और अपने लेफ्ट से इनहेल करें, फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट को एक्सहेल करें, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इतना करने से आपको लगेगा कि अंदर कितनी आपको फ्रीडम फील हो रही है। जो सांस है इवेंचुअली क्या होती है, बहुत ही शैलो हो जाती है, आप खुल के ब्रीद इन ब्रीद आउट कर ही नहीं सकते हो। मुझे यकीन है कि 90% लोगों को अपनी ब्रीद फील भी नहीं होती है कैसी है, जो इतनी खूबसूरत चीज़ है, जो हमारे अंदर इतनी कनेक्टेड है और हमने इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ को इतनी आसान तरीके से सुलझा सकती है, तो हम क्यों नहीं करते हैं। बस आपको 10 मिनट देने होते हैं सुबह, 5 मिनट कपालभाति कर लिया, या फिर 5 मिनट आपने या फिर 2 मिनट आपने उज्जय ब्रीदिंग कर लिया, फिर 10 मिनट आपने नाड़ी शुद्धि प्रैक्टिस कर लिया। देखिए आप 21 दिन से 1 महीने तक आपकी लाइफ में इतनी सारे चेंजेस हो जाएंगी, इतनी सारी मेडिसिन जो ले रहे हो शायद वो छूट भी जाए, तो मैं उतना सरप्राइज भी नहीं होगी कि अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो। तो इसको सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। जितनी लंबी सांस आप लोगे, गहरी सांस लोगे अवेयरनेस के साथ, अपना जो पूरा ध्यान है उसको इस ब्रीद इन ब्रीद आउट के ऊपर लगा दीजिए। जितनी आराम से हो सके उतने आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। अगर आपको स्टार्टिंग में थकावट लग रही है कि आज बहुत ज़्यादा हो गए, तो कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई भी दूसरी वर्कआउट कर रहे हो, तो 10 मिनट इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2 मिनट ध्यान कीजिए, फिर शवासन कीजिए। पूरा दिन आपका इतना सुंदर और इतना अच्छे से जाएगा, आपका माइंड इतना फ्रेश रहेगा, इतना पॉजिटिव रहेगा, आपको खुद ही लगेगा कि हर दिन कितना अच्छा है अगर आप देखो तो। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट में मैंशन कीजिएगा। और अगर आप किसी को चाहते हो कि वो भी हेल्दी बन जाए, तो इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करने से इतना ज़्यादा बदलाव आता है, तो क्यों नहीं, है ना। तो वीडियो को, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलेंगे।